हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है फैक्ट बात। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर मच्छर तो शाकाहारी होते हैं। सिर्फ औरत ही हमेशा खून चूसेगी सबका। वाह। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, एक नेकेड मोल प्रजाति नाम का चूहा पाया जाता है और इनमें खूबी यह होती है कि इन चूहे को चोट लगने पर दर्द नहीं होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, चूहे भी इंसानों की तरह हंसना जानते हैं। अगर आप चूहे को इंसानों की तरह गुदगुदी करते हैं तो यह भी इंसानों की तरह अपने पलके हंसी के कारण पलके बंद कर लेते हैं ताकि वो गुदगुदी को बर्दाश्त कर सके, जैसे हम लोग करते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, मादा मच्छर अपने जीवन में करीब 500 अंडे पैदा करती है और यदि मच्छरों को खून ना मिले तो ये नए बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। इसलिए दोस्तों, मच्छरों का खून पीना जरूरी है ताकि वो नए बच्चे पैदा कर सके। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, मच्छर इंसान की सांस भी सूंघ लेते हैं, जिसके कारण आप कहीं भी रहे ये मच्छर 75 फीट दूर से भी आपके पास आ सकते हैं। आपके शरीर से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड 2 इन मच्छरों को बता देता है कि आप कहाँ पर हो। इसी कारण मच्छर आपके पास आने में देरी नहीं करता है, वो आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चूहे की सबसे विशाल प्रजाति का क्या नाम है? तो दोस्तों, डोंट वरी, मैं हूँ ना बताने के लिए। तो दोस्तों, चूहे की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम बोसावी ऊनी चूहा है, जिसे 2009 में पापुआ न्यू गिनी के वर्षा वनों में खोजा गया था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चूहा उन जीवों में से एक है जिसे अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला है। चूहे को सन 1961 में फ्रांस के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चूहे कपड़ा, कागज या और कुछ कुतरते क्यों रहते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें, चूहे के दांत दिन भर बढ़ते रहते हैं। अगर ये जीव अपनी कुतरने की आदत छोड़ दे तो कुछ ही समय बाद चूहे की मौत हो जाएगी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, कुछ मादा कॉकरोच जीवन में एक ही बार संबंध बनाती है लेकिन पूरे जीवन भर गर्भवती रहती है और बिना फिर से संबंध बनाए वो लगातार बच्चों को पैदा करती रहती है। फैक्ट नंबर 1 को बताने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और उस बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि मैं जब भी ऐसे ही वीडियो लाऊं आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फैक्ट नंबर 1। दुनिया का सबसे बड़ा कॉकरोच साउथ अमेरिका में पाया गया था, जो कि 6 इंच लंबा था, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। हमारे घरों में पाए जाने वाले कॉकरोच वो 1.5 से 2 इंच ही लंबे होते हैं, लेकिन जो कॉकरोच साउथ अमेरिका में पाया गया था वो 6 इंच तक बड़ा था, जो काफ़ी बड़ा माना जाता है इस दुनिया का।